The world is under lockdown. The streets are closed, the cities are closed, the countries are closed, the borders are choked. The roads are blocked, the trains are blocked. But the only thing that cannot be locked is the spirit of humanity. And for this reason, we all are connected, whether not physically, but yes, virtually. Keeping in view that spirit, in this video, we are going to begin with something which is very important, very essential, and very, very dangerous looking scenario. Yes, I am talking about the gender inequality in education. So stay connected, stay enlightened, stay locked, but not virtually. Let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं माय क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी लिंग के आधार पे एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है और किस किस तरह से होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगा और जैसे ही दूसरा पार्ट ख़त्म होगा, इस वीडियो के ऊपर एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको माई क्लासरूम में देना है। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। आज ही मैं सुबह में आर्टिकल पढ़ रहा था और सुबह से याद आया आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो चलिए, आज मैं एक सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल में मैंने देखा बड़ी ही अजीब चीज़। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का जो 2/3 स्टूडेंट है जो चौथी कक्षा तक ठीक से पढ़ नहीं पाता है, वो या तो जेल जाता है या फिर रिहैब सेंटर में जाता है। दूसरा फैक्ट, क्या आपको पता है कि 12% ऑफ लिटरेट एजुकेटेड इन द वर्ल्ड 12% ऑफ द लिटरेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट फंक्शनली लिटरेट, यानी कि वो लोग फंक्शनली वाकई में ऑन पेपर तो लिटरेट हैं लेकिन हकीकत में दे आर नॉट लिटरेट, दे आर जस्ट नॉट लिटरेट। इजंट इट शॉकिंग? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। द टॉपिक फॉर टुडे इज, एज यू कैन सी, gender discrimination in the scenario of education or gender discrimination in education. Well, शिक्षा, ज्ञान, यही तो समाज को बनाती है। और कोई चीज़ है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिख हो, कोई ना कोई आया और उसने एक कम्युनिटी को बताया कि भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। क्या किसी कम्युनिटी के किसी भी बंदे, किसी भी मैसेंजर में, चाहे वो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद हो, सिख में गुरु नानक साहब हो, ईसाई में जीसस क्राइस्ट हो, हिंदुइज्म में राम हो, लक्ष्मण हो, कोई भी हो, जो उन्होंने समाज को एक गाइडेंस दिया, किसी ने ये कहा कि अच्छा तुम लड़की हो तुमको ये करना है, तुम लड़के हो तुमको ये करना है? किसी ने यह कहा कि भाई एक काम करो कि तुम जो है ना, तुम गृहिणी हो तुमको ये करना है और तुम पुरुष हो तुमको ये करना है? किसी ने समाज को जो है किसी भी आधार पे बांटने की बात करी? आज हम बात करेंगे सिर्फ एक आधार की, वो है लिंग यानी जेंडर। ना धर्म ने बांटा, ना किसी और चीज ने बांटा, ना ऊपर वाले ने बांटा, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांटा, ना ही वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड एजेंसीज ने बांटा। तो कैसे हम बट गए? ये क्या हुआ कि सोशल सेक्सुअलिटी डिसाइड होने लगे? और इस सोशल सेक्सुअलिटी का मेरा मतलब ये है कि जेंडर, इस सोशल सेक्सुअलिटी का सबसे डेंजरस पॉइंट क्या है, मैं आपको बताऊं। सबसे डेंजरस चीज़ ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड और यू नो प्लेस ऑफ बर्थ और रीजन और रिलीजन, बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यस,
ये तो हर घर में है, ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में फीमेल जेंडर नहीं है या मेल जेंडर नहीं है, किसी और के घर में मेल जेंडर नहीं है, फीमेल जेंडर नहीं है, ये तो हर घर में है। हर घर ना, तेरा था ना कहानी घर घर की, हर घर में ये चीज़ है, और इसीलिए इसका इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। चलिए धर्म के आधार पे आपने अगर बांटा तो धर्म आपके घर में नहीं है, हो सकता है हिंदू धर्म के आप हों तो मुस्लिम नहीं है, तो घर में झगड़ा नहीं हो सकता, या घर में कोई तरह की दीवार नहीं हो सकती है ना। कास्ट के हिसाब से बांटा तो हो सकता है कि आप सैयद हैं और आप अंसारी नहीं हैं, या आप अंसारी हैं आप सैयद नहीं हैं, तो एक घर में दो कास्ट के लोग नहीं हो सकते हैं जनरली, तो घर में वो दीवार नहीं खड़ी हो सकती है। लेकिन कोई भी आधार पे जो समाज बढ़ता है वो घरों के अंदर वो दीवार नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन जेंडर के हिसाब से जब समाज बढ़ जाता है तो जेंडर तो भाई हर घर में है, तो दीवार तो हर घर में ही बटेगी, हर घर में ही खड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। तो हम यहाँ आए हैं उस दीवार को तोड़ने, उन ईंटों को बाहर फेंकने, उन ईंटों को दफनाने, बल्कि जो बनाती है जेंडर के बीच में दीवार। दिस इज फॉर मैन एंड दिस इज फॉर वेमेन, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर यू सोशली करेक्ट, दिस इज फॉर मी एथिकली सोशली करेक्ट, एंड दिस ऑल कैन बी डिलीटेड, इट दिस ऑल कैन बी इरेज, दिस ऑल कैन बी, यू नो, ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन क्या किया जाए, एजुकेशन खुद ही शिकार हो गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब बहुत बड़ा शिकार होगा। ये तो मैं किसी एक पहलू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पहलू के बारे में, देर आर मेनी आयाम, देर आर मेनी यू नो पॉइंट्स ऑन विच वी कैन टॉक अबाउट, दिस इज जस्ट वन वन एस्पेक्ट, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट, देर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट। सो लेट्स गेट इन टू द पॉइंट्स एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस, देर आर फाइव पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर गोइंग इन टू द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल स्पेसिफिकली। उस पर जाने से पहले हम पांच पॉइंट पर बात करेंगे, और दो इस वीडियो में बात करेंगे और तीन अगले वीडियो में बात करेंगे। पहला है हमारा, पहला पॉइंट है प्रेविलेंस ऑफ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। जी हाँ, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, देखिए ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने सेवन टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की बात की, उसका पहला पार्ट देखिए, उसमें साइकोलॉजिकल रीज़न मैंने बताया कि कैसे ये जेंडर जो है हमारी मानसिकता में आ जाता है। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, एक्चुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कि मैंने इसको कॉइन किया है या मैंने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है, इट इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ बिन बिगेन प्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस बाई मी और यू और एनी वन इन द सोसाइटी। ये ऐसी चीज़ है जो समाज में किसी ने नहीं शुरू की है, लेकिन पालन सब करते हैं। दैट इज द यूनिकनेस एंड वर्सनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि नोबडी हैज स्टार्टेड बट एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग, है ना, नोबडी हैज स्टार्टेड बट एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डेंजरस। व्हेन आई एम सेइंग डेंजरस, इट इज more dangerous than any corona and more than dangerous than any novel 19. So when I talk about, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की, तो चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की। आपने ओम शांति ओम देखा होगा, उसका ये वीडियो एक चुटकी सिंदूर, जस्ट वॉच दिस। किस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। नाउ आई यू हैव, यू मस्ट हैव सीन द वीडियो, यू मस्ट हैव एंजॉयड आल्सो, ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो एंजॉयड, लेकिन यहाँ पर जस्ट सी द वैल्यू विच इज़ कनेक्टेड विथ इट, एक चुटकी सिंदूर एंड एक चुटकी सिंदूर एंड इट्स कनेक्शन उसका, और उसका जो संबंध है एक औरत यानी एक गृहिणी से, वो देखिए ज़रा। ये उसने नहीं शुरू किया या उसके डायरेक्टर ने शुरू किया या उसके डायरेक्टर की माँ ने नहीं शुरू किया, बल्कि ये बचपन से पुश्तों से ये चला आ रहा है।
लड़का है तो लड़का ये करेगा, लड़की है तो लड़की ये करेगी, लड़का अगर गरीब है तो लड़की को घर में बैठाओ, लड़की को, एक डायलॉग वो फेमस हुआ था ना, लड़की पराया धन होती है, यानी लड़की इज अ पराया धन। एक तो ये एक स्टीरियोटिपिकल व्यू पॉइंट है, जिससे क्या अमीर क्या गरीब, क्या रिलीजन क्या कास्ट, क्या रीजन क्या प्लेस, सारा कुछ कनेक्टेड है। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड सो कनेक्टेड कि हर कोई को ये चीज़ इफेक्ट कर चुकी है, ये वायरल लग चुका है। ना ही इसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही इसका इलाज कुछ और है। इसका अगर सिर्फ एक इलाज है तो एजुकेशनल अवेयरनेस है। तो हमें कम से कम, वी हैव टू स्टार्ट द चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें अब शुरू करना पड़ेगा अपने घर से कि यस, गर्ल हैज़ टू लीव देयर हाउस टू द अदर हाउस टू क्रिएट अ न्यू हाउस। और अगर आज कोई औरत अपना घर छोड़ के नहीं आती तो शायद हम नहीं होते, आप नहीं होते, हमारा घर नहीं होता या आपका घर नहीं होता। ये एक सिस्टम है, एक साइकिल है, जिस तरह से ये एक साइकिल है कि मर्दों को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता है, ये भी एक साइकिल है। उसी तरह से ये भी एक साइकिल है कि छोड़ना पड़ता है। दिस इज़ द सिस्टम एंड आई एम नॉट कंडेमिंग द सिस्टम, बट उसी सिस्टम में रह करके हम लोग को करना क्या है? उसी सिस्टम में रह करके हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सोशल बाउंड्रीज है जेंडर के बेसिस पे, उसको ख़त्म करना है ना। जेंडर बेसिस पे जो सोशल बाउंड्रीज बना दी गई हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ को लेकर के हो, बाहर जाने को लेकर के हो, खाने को लेकर के हो, घर के छोटे छोटे काम को लेकर के हो, बाहर के छोटे छोटे काम को लेकर के हो, या कोई भी चीज़ को लेकर के हो, तो ये चीज़ को हमें तोड़ना होगा। एंड अगेन आई मस्ट टेल यू दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल, एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे पहले तो एजुकेशन के अंदर ही इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी की बात करें तो बहुत बड़ा, एक इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट है, हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। कहते हैं ना 1% इंडिया का क्या वेल्थ डिवीजन की अगर बात करें तो 1% के पास इंडिया के 71% का पैसा है, और 29% के पास जितना पैसा है वो पूरे 71% के पास भी उतना पैसा नहीं है। तो वेल्थ डिवीजन इंडिया का बहुत ज्यादा पुअर है, जिसकी वजह से झुग्गियां बन गई हैं, स्लम्स बन गया है। उसी स्लम्स में से एक स्लम है बॉम्बे का धारावी, जहां अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है। वहां पर बेसिक एमिनिटीज का बड़ा अभाव है ना। बेसिक एमिनिटीज मतलब कि एजुकेशन तो फिर भी उतना बेसिक नहीं है, उससे ज्यादा बेसिक आप समझिए क्या हो सकता है, खाना पीना, वॉशरूम। आपको क्या, आपको पता है कि वहां पर 112 या 122 आदमी के ऊपर एक टॉयलेट है, धारावी की मैं बात कर रहा हूं। ये कंडीशन है, घरों में टॉयलेट नहीं है, क्योंकि जो है 6 बाई 6 कमरे में 8 आदमी रहते हैं एवरेज, क्योंकि अभी धारावी बहुत ज्यादा उसमें है, न्यूज में है, तो कुछ फैक्ट्स समझ में आए कि 6 बाई 6 का कमरा अगर है तो उसमें 8 आदमी रहते हैं एवरेज में। 7 किलोमीटर के वर्ग में 15 लाख की आबादी रह रही है, 112 लोगों पर एक टॉयलेट है। तो बेसिक इम्यूनिटी क्या होती है हम लोग के लिए? तो बेसिक इम्यूनिटीज है, बेसिक चीज़ें हैं कि एजुकेशन बच्चे को मिल जाए, ये है वो है। वहाँ सोचिए हर एक लेयर के लिए, हर एक वर्ग के लिए उसकी बेसिक नेसेसिटी कुछ और होती है, हमारे लिए कुछ और है और उनके लिए कुछ और है। उनके लिए एजुकेशन सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के बाद भी एकदम टर्शरी लेवल पे आ जाता है बल्कि, लेकिन हमारे लिए शायद प्राइमरी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेल्थ, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस दैट वी लिव इन, कि हमारी नेसेसिटी क्या है। तो बात अगर करें पॉवर्टी की, तो क्या उन माँ बाप के बच्चों का दिल नहीं है पढ़ने का, या उन माँ बाप का सपना नहीं है, उन माओं का सपना नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़े? आपको
आज की नई दिल्ली में आज एक बहुत बड़ा कायापलट हुआ है, बहुत बड़ा कायापलट हुआ है। मीन एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी वर्क हुआ है जो शायद आज तक किसी भी स्टेट में कभी भी नहीं हुआ है, और शायद पूरी दुनिया में इतना जल्दी जो है एजुकेशनल लेवल पे चेंज ओवर नहीं आया है। आज से मैं तकरीबन 7 साल पहले का एक वीडियो है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वहां पर एक लड़की, एक औरत जो है एक बच्ची की माँ बताती है कि जो टीचर पढ़ाती थी उसको पकड़ना नहीं आता था, पेंसिल नहीं पकड़ पाती थी, वो पढ़ाई ही क्या, और वो उल्टा अपनी माँ को। आप ही देखिए वीडियो देख करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी क्या कंडीशन है। इसकी किस्मत में है, लिखेगी पढ़ेगी तब बनेगी, और नहीं लिखेगी पढ़ेगी तब कहाँ से बनेगी। उतना तो कोशिश करते हैं कि कुछ बन जाए। क्लैपिंग करो, पहले क्लैपिंग करो, बाद में। आरती से पूछती हूँ इसकी दीदी क्या क्या पढ़ाती है, तो ये कुछ बताती भी नहीं है, कहती है पढ़ाती नहीं है दीदी, छुट्टी हो गई वैसे कहती है, और इसको भेज रही हूँ 2 साल से। अरे पढ़ाती थी उससे तो कुछ भी नहीं आती थी, एकदम भी नहीं आती थी, उसको बोले दी थी कि इसको पेंसिल पकड़ने के लिए भी नहीं आती है, अब क्या पढ़ाते हो, तो वो कहती थी अब घर में पढ़ाती नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से, वैसे कहती थी। तो मैं कहती थी इसको, लेकिन बात हमारा तो टॉपिक थोड़ा सा, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। टॉपिक हमारा है कि एजुकेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पॉवर्टी की वजह से कैसे होती है। ये पॉवर्टी की वजह से जो है ना हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। हम एज अ फादर क्या करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर आज मेरा बेटा पढ़ रहा है उसका ईयरली फीस 50,000 रुपया है सालाना, अगर फीस हम भरते हैं 50,000 रुपया तो इसका मतलब हम पुअर नहीं है। लेकिन अगर क्या दूसरे माँ बाप नहीं चाहते हैं कि वो उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी हो, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन क्या पैसा उनको अलाउ करता है, नहीं अलाउ करता है। वो लोग फ्री स्कूल में डाल देते हैं, उसके बाद फिर पॉवर्टी की वजह से वो लोग प्रेफरेंसेस देते हैं लड़कों को लड़की के ऊपर कि लड़का, और उनका प्रेफरेंसेस जो है वो लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट, ये मत समझिएगा मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो लड़के को भेज रही है उसकी माँ या उसका बाप, तो लॉजिकली वो लोग सही है कि वो आगे जाके कम से कम कुछ पढ़ करके गैराज में तो काम कर लेगा, कुछ पढ़ करके जा करके मैकेनिक तो बनेगा, कुछ पैसा तो घर पर लाएगा। राइट सी बात है, लॉजिकली दे आर करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई अल्टरनेटिव नहीं छोड़ रखा है, कुछ नहीं दिया है उनको। आज जाके दिल्ली का जो जगह आपको दिखाया मैंने उसकी आज जाके काया पलट गई है, क्योंकि एक सरकार वो ऐसी आई है जो काम करती है। तो मसला यहाँ पर ये है। अब देखिए लड़कियों को भेज दिया जाता है काम करने के लिए, कोई बड़े शहर में आप देख लीजिए, छोटे शहर में हमारे शहर में देख लीजिए, लड़कियाँ आती हैं काम करके जाती हैं, पूरा दिन घर में आपका काम करती हैं, आप साल महीने के 2,000, 1,500, 3,000 जैसा पे हुआ देते हैं। और हर फैमिली की एक मांग होती है, थोड़ी सी भी वेल ऑफ फैमिली है तो उसकी एक मांग होती है कि अगर तुम्हारी छोटी बहन है या बेटी है, छोटी बेटी है, तो उसको हमारे यहाँ छोड़ दो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में आप करते क्या, सिर्फ उससे काम करवाते हो, उसके कंस्ट्रक्टिविज्म, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ करते हो कुछ, तो सोचने की ज़रूरत है, समाज को सोचने की ज़रूरत है, और हमारे जैसे समाज को, एजुकेटेड समाज को, वेल ऑफ समाज को सोचने की ज़रूरत है कि डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, स्पेशली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए। फिलहाल कोरोना फैला हुआ है और मैं दुआ करता हूँ, रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, कि आप लोग सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, साफ रहें, और आप भी दुआ कीजिए। और सोशल डिस्टेंसिंग इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए फिज़िकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग तो कभी हो ही नहीं सकती है ना, तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। विद दिस आयशिबान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, विल बी हैविंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे और ट्यूसडे एज टाइम अलाउज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, सायनारा।